नए साल में शादी से पहले ही करीना कपूर और सैफ अली खान आमने सामने हैं। अगले महीने फरवरी में करीना की एक साथ दो फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। करण जौहर की एक मैं और एक तू, जिसमें उनके हीरो हैं इमरान खान, जो 10th ऑफ फरवरी को रिलीज होने के लिए रेडी है, और सैफ के साथ एजेंट विनोद, जिसकी रिलीज डेट 17 फरवरी सोची गई थी। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ सेफ प्रोपोजिशन फॉर सैफ एज वेल एज करण जौहर। तो इस ट्रिकी सिचुएशन से निकलने के लिए एजेंट विनोद की रिलीज डेट को मार्च में पुश किया जा रहा है। ऑल सीम्स ओके, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? वेल, प्रॉब्लम ये है कि अगर एजेंट विनोद को मार्च में पुश करते हैं तो इससे दोनों लवर्स की शादी भी और आगे पुश होती है। माना कि शादी सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन मोहब्बत के अलावा बिजनेस भी जरूरी है। एक वीक के गैप में करीना की दो फिल्म्स रिलीज होना इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। करण वैलेंटाइंस डे पर यूथ को टारगेट करना चाहते हैं और सैफ ये डिसाइड कर चुके हैं कि शादी एजेंट विनोद की रिलीज के बाद ही करेंगे। सो ऑल इन ऑल एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि सैफ बेबो का शुभ विवाह या तो लेट मार्च या फिर अर्ली अप्रैल में ही होगा। वेल, जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और सही, लेकिन शादी के बाद कहीं दोनों की कोई और फिल्म रिलीज तो नहीं हो रही जो इनके हनीमून का शेड्यूल बिगाड़ दे? Well, for that, we will have to check the film's calendar. Or rather, they will have to check the film's calendar. 9XM. Haq Se.